हम यहाँ पे चलते हैं, गिरी टेम्परेचर दिखाते हैं। गिरी टेम्परेचर हमारा 18.4 है, यानी 18 डिग्री के आसपास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और आज की वीडियो में हम समझेंगे, बल्कि ये पूरा रिस्टोरेशन का वीडियो है ट्रेन 2010 का। देख सकते हैं मॉडल 240 है और ये वोल्टेज है 380। तो आज हम इसका पूरा जो है खोल के देख सकते हैं क्या इसकी कंडीशन है, कंप्रेसर कैसे जंग लगे हुए हैं और सब कुछ जो है खुला हुआ है। इसको हम फ्लशिंग करेंगे, निकालेंगे, कलर मारेंगे और वायरिंग की आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी है। और ऊपर ये बॉटम टॉप का देख सकते हैं ये, और ये ओरिफिस पे है, ये देख सकते हैं अंदर एक्सपेंशन वाल नहीं लगा। ये इसका ब्लूअर मोटर है और इसका अंदर ये ब्लूअर है नीचे ये ला, और कुछ पैनल भी इसके जो है कम है, ये भी हम अरेंज करेंगे और वायरिंग का सारा कुछ हम इसको करेंगे बाद में। ये रेडिएटर को धुलाई करके इसके ऊपर कोटिंग लगेगी, हालांकि कोटिंग से पहले लेकिन धुलाई करेंगे केमिकल से ये चली जाएगी। और ये साइड का जिधर से हवा निकलती है, और ये वाला ये वेपरेटर साइड का जिधर से हवा खींचता है ये बैक साइड का। तो देख सकते हैं ये इसका फाइनल व्यू वैसा है, गंदा कितना है। तो उसको हम खोलेंगे, धुलाई करेंगे, कंप्रेसर चेक करेंगे, सही है तो यही लगाएंगे, नहीं है तो दूसरा चेंज करके लगाएंगे। और फ्लैशिंग वगैरह गए, चार्जिंग वगैरह, वायरिंग वगैरह A to Z पूरा है इसमें समझेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमने कुछ जो है पैनल हटा लिए, इसको जो है डिसमेंटल कर लिए। ऐसे हम सारे जो है पैनल हटा लेंगे, डिसमेंटल कर लेंगे। और ये भी जो है कंडेंसर मोटर जो खोली जा रही, निकाल ली जा रही, इसको निकाल लेंगे, सबकी बेयरिंग चेंज होगी। और सारा पहले हम डिसमेंटल कर लेते हैं और फिर जो है धुलाई कर के लिए इसको जो है पहले जो काम होगा धुलाई के लिए होगा। और इसके ऊपर कलर भी लगेगा क्योंकि ये चलने लायक है नहीं। और वायरिंग हम इसमें जो है सर्किट निकाल देंगे, मैनुअल ऐसे वायरिंग करेंगे जैसे कैरियर वगैरह में होती है उस टाइप की करेंगे। और सारा हम निकाल लेंगे, पहले निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं अभी हमने सर्किट बोर्ड भी खोल लिया है और सारे पैनल थे वो भी हमने खोल लिए हैं। और यहाँ की जो ब्लोअर मोटर थी वो भी खोल ली, वो बियरिंग उसकी चेंज होगी। और इधर वाल जो है देख सकते हैं बैक साइड के सारे मैंने कवर हटा लिए। अभी ये कंप्रेसर ये बाहर निकालेंगे ऑयल वगैरह चेंज करने के लिए, और बाहर निकाल के प्रेशर भी चेक करना है और इसकी क्या कंडीशन ये भी चेक कर लेंगे। बाद में ये फिल्टर भी दूसरे नए लगेंगे और ये साइड का हटा कर ये दरवाल पूरा सफाई होगा, ये ज़मीन भी उसकी कलर होगी। देख सकते हैं कितना गंदा है। इसको भी साफ, जैसे इसको साफ़ किया, हीट करके पहले हीट करेंगे, जो इसका कलर था हट गया, फिर दोबारा इसको भी साफ़ कर लेंगे, इसे साफ़ करें फिर यहाँ से निकालेंगे तो दोबारा ब्रीजिंग करने में आसानी रहेगी। इसको भी मैंने हीट कर लिया और उससे भी W40 डाल के साफ़ कर लेंगे, इसको निकालने में आसानी रहेगी, नीचे टूटेगा नहीं। तो फिलहाल निकाल लेते इसको, फिर बाद में देखते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली हमने सारे जो जॉइंट खोल लिए कंप्रेसर के, देख सकते हैं इसका भी खोल लिया और इधर फिल्टर से खोल लिया। अब ये हम कंडेंसर बाहर निकाल लेंगे, कंप्रेसर भी बाहर निकाल लेंगे और इधर वाले पहले धुलाई कर लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इसको बैठा लेंगे। तो हमने अभी सारा बाहर निकाल लेना है। तो फाइनली अभी हमारे दोनों कंप्रेसर निकल चुके हैं, ये बाहर हमने निकाल लिए, अभी हमारी होगी धुलाई। अभी सिस्टम की हमारी धुलाई स्टार्ट हो चुकी है, हम इसको जो है केमिकल वगैरह डाल के रेपरेटर पूरी बॉडी अच्छे से धुल लेंगे, और इसको भी हम जो है धुल लेंगे, कंडेंसर को भी धुल लेंगे अच्छे से, बॉडी वगैरह धुल के फाइनल कर लेंगे इसको। देख सकते हैं अभी धुलाई चल रही है। इसके ऊपर केमिकल लगा लेंगे, तो साइड पे भी जो है ऐसे लगा लेंगे और पूरी बॉडी हम साफ कर लेंगे। और ये कंडेंसर हमने बाहर निकाल लिया अलग, कि धुलाई में आसानी हो जाए। देख सकते हैं कितना जंग खाया हुआ है, कितना गंदा है, इसके ऊपर भी कलर लगेगा।
देख सकते हैं अभी फाइनली हमारा जो है सिस्टम क्लीन हो चुका है, तो रेडी हो चुका है। अभी इसको जो सफाई हुई कलर लगना है यहाँ पे, और इसकी फ्लशिंग होगी, कंडेंसर की फ्लशिंग करेंगे। और यहाँ पे जो मोटर मैंने खोली थी ये भी जो है बेयरिंग चेंज कर लेंगे, और इधर वाला कलर लगेगा, और इसके ऊपर कोटिंग होगी, इसके ऊपर कंडेंसर के ऊपर कोटिंग होगी, तो सफाई कर लेंगे ग्राइंडर, तो फिर इसके ऊपर कलर लगाते हैं और फ्लशिंग करते हैं। तो अभी फाइनली सारे हमारे गत्ते जो धुलाई हो चुके हैं, ग्राइंडर लग चुका है, सफाई हो चुके हैं, टीटिंग लगा ली है कलर लगाने के लिए, सब कहीं लगा लिया। अब तो देख सकते हैं अभी कलर लगना स्टार्ट हो चुका है, और ये भी हम कलर लगा लेते हैं, तो कलर लगा के फिर फाइनल दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं अभी फाइनली हमारे सारे जो पैनल थे वो कलर हो चुके हैं। अभी कुछ और भी कंप्रेसर कलर होना बाकी हो रह गया, और रेडिएटर कलर होना बाकी रह गया, जो जो बाकी भी उनको भी कर लेंगे। तो अभी हम ये सिस्टम को अपने हम कर रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, और ये फ़िल्टर हमने निकाला था, तो हम फ़िल्टर जो पुराने वाले हैं उनको देख लेंगे, तो एक आइडिया लग जाता है। मैंने देखा एक जो बिल्कुल साफ, एक थोड़ा सा, यानी इसका मतलब ये है कि सिस्टम हमारा जो है जब जिस समय रनिंग में होगा उस समय जो है इतना ये प्रॉब्लम नहीं की, यानी एक फिल्टर साफ है और एक थोड़ा सा जो है 20-25% ये चूक, यानी इतना तो चलता है। तो ऑयल की कंडीशन देख करके देख सकते हैं, ऑयल जो अंदर है वो भी साफ है, और ये फ़िल्टर की जो कंडीशन देख करके हमें आइडिया लग जाता है कि सिस्टम में किस हिसाब से काम करना है। तो अभी ये भी सही है और ऑयल की कंडीशन सही है, हम इसको नॉर्मली इसको वो कर लेंगे, फ्लश कर लेंगे, तो ऑयल वगैरह जितना होगा सिस्टम से निकल जाएगा। तो हमने रेफ्रिजरेंट इसमें इसके अंदर डाल लिया है R11, और अभी इसको हम यहाँ से नाइट्रोजन दे करके यहाँ से इसको जो है वो कर लेंगे, फ्लश कर लेंगे, ऐसे हम इवेपरेटर को फ्लश कर लेंगे, ऐसे कंडेंसर को भी जो है वो कर लेंगे फ्लश। इसका फ्लश करने का प्रोसीजर बहुत सेम है, हम एक तरफ से वो डाल लेंगे क्या बोलते हैं जो है ये लिक्विड जो हमारा R11 का है, और फिर यहीं से बैक साइड से नाइट्रोजन का प्रेशर देंगे, क्योंकि ये R11 गैस जो है थोड़ी सी हैवी होती तो अपने आप से नहीं निकली, यानी मोटी होती है, तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो ऐसे कंडेंसर को भी ये सफाई कर लेंगे, ऐसे इवेपरेटर की अभी हम ये सफाई कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है ऑयल की। तो देख सकते हैं अभी ऑयल की कंडीशन यानी साफ़ है, बस ऑयल गया था, तो ऑयल हम निकाल लेंगे अपने ये सिस्टम का। तो इस रेफ्रिजरेंट डाल करके ऐसे, तो हमारा सिस्टम का जितना भी ऑयल कचरा होगा सारा निकल जाएगा, फ्लश हो गया, सिस्टम हमारा क्लीन हो जाएगा। फिर यहीं पे हम नए फिल्टर लगा लेंगे जो हमने निकाले हैं, और क्लीन करके फिर जो है यहाँ पर बैठा लेंगे। और दूसरा ये यहाँ पर हमारा अभी ये क्लीन हो चुका है, ग्राइंडर लग चुका है, और थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेंगे, मिट्टी वगैरह निकाल देंगे, फिर यहाँ पे जो है वो लगेगा, कलर लगेगा। तो ऐसे बॉडी में ये बॉर्डर का कलर अलग होगा, बॉडी का कलर अलग होगा, और क्लीन करके कंप्रेसर को जो है कलर करके फिर यहाँ पे दोबारा हम बैठा लेंगे। तो अभी देख सकते हैं फाइनली हमारे बॉडी पे कलर लगना स्टार्ट हो चुका है, और अभी थोड़ा हमने कंप्रेसर वाली साइड पे लगा लिया है, अभी साइड का बाकी है और बॉर्डर भी बाकी है, तो पूरा लगा के फाइनल व्यू आपको दिखाते हैं। तो अभी फाइनली हमारा जो बॉडी है मैंने कलर लगा दिया कि जो है दोबारा जंग ना लगे, सेफ्टी के पर्पज़ से, और थोड़ा सा हमने यहाँ भी लगा, यहाँ भी जंग लगा हुआ था, और अभी हमारा जंग इधर वाला बॉडी कलर हो चुकी है। अब हम आगे अपने स्टेप में चलते हैं, जैसे कंप्रेसर का कलर होना हुआ, और कंप्रेसर
फीबा ढालने की बारी है, इसको कोटिंग करने की बारी, इसका फ्लशिंग हालांकि हो चुकी है इन दोनों की। तो अभी देख सकते हो फाइनली हमने कंप्रेसर को कलर कर लिया है, कलर करके इसको बैठा लिया है और हमने चेक कर लिया था इसको, ऑयल वगैरह चेक कर लिया था और प्रेशर वगैरह चेक करके ऑयल चेंज करके इसको बैठा लिया। और हमने जो नए वाले इसके ये लगा लिए, थोड़े से साफ़ सुथरे, पहले ख़राब थे, और अभी हमने सेक्शन लाइन वाले जो पाइप के ज्वाइन कर लिए, और अभी जो है डिस्चार्ज बाकी रहेगा। और हमने नए फिल्टर लगा लिए और इस साइड का हमने कलर पहले मान लिया जो कि मैंने अभी दिखाया था, और हमने इसके ऊपर कोटिंग कर ली ब्लू कलर की, और इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन लगना बाकी है तो जब फाइनल होगा तब लगा लेंगे। और इसको हमने फ्लश करके प्रेशर डाला तो प्रेशर भी हमारा होल्ड है और ये सही, अभी हम इसको बैठा लेंगे। और इस साइड पे थोड़ा सा हमने भी काम कर लिया है, इस साइड पे हमने ज़मीन पे कलर लगा लिया था जो कि मैंने पहले दिखाया था, यहाँ पर थोड़ा था जो है जंग टाइप का या अच्छा नहीं दिख रहा, तो हमने यहाँ पर भी कलर लगा लिया। और बैक साइड का हमने जो है फ़िल्टर वगैरह लगा के फाइनल कर दिया है, और इसके फ़िल्टरों के ऊपर सिल्वर कलर भी लगा दिया जो कि आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने सिल्वर गोल्डन हल्का लगा लिया है, जबकि यहाँ जो इसके कोरोजन बैठा हुआ था, अभी इन फ्यूचर ये लीक जल्दी नहीं होगा। ये बैक साइड का है और ये जो है अंदर साइड का है, और बैक साइड से अगर दिखाएं तो कुछ इस टाइप का हुआ है। ये मेरा पूरा फाइनल हो जो कि आप पहले देख रहे थे कितना जंग खाया हुआ, तो अभी ये ऐसा कुछ हो चुका है। तो अभी हम जो है कंडेंसर बैठाने जा रहे हैं और कुछ हमारे पैनल भी लगने जा रहे हैं, तो पैनल भी हम लगा लेते हैं क्योंकि हमारा काम चलता रहे। अभी जो बाकी इस इवेपरेटर की जो ब्लोअर मोटर है जो यहाँ की, इसकी बेयरिंग वगैरह चेंज करनी है, और यहाँ पे हमने ग्रीस लगा लेना अच्छे से क्योंकि बाद में इसके ऊपर जो है पानी मॉइस्चर रहे तो उससे सेफ्टी रहे। और बस अभी कंडेंसर लगाना बाकी, ये जो जॉइंट होने ये भी बाकी, तो ये हम जॉइंट लगा लेते हैं, कंडेंसर को बैठा लेते हैं और फिर इसको हम थोड़ा सा फाइनल व्यू आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये डाल पाइप देखते बस, तो अभी हमने इसको बैठा लिया, अभी इसको जो है जॉइंट वगैरह लगा लेते हैं, साइड पे भी इसको स्क्रू लगा लेंगे, यहाँ भी लगा लेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे जो है ये सारे जो ब्रेजिंग हो गए हैं, हमने सब कुछ फिक्स कर लिया, थोड़ा सा हाई प्रेशर लो प्रेशर बाकी है, और अभी हमें वायरिंग बॉक्स लगाना है और थोड़ा सा हमें ब्लोअर मोटर का अलाइनमेंट करना है। यहाँ पे ये पुली फिक्स करनी है और क्योंकि बेयरिंग इसकी चेंज की थी और ये उसको जो आवाज़ कर रहा था, ये उसको दूसरा लगाएंगे और बाद में बेल्ट लगा देंगे दरवाल, फिर इसको जो पैक कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी हम वायरिंग पे काम करने जा रहे हैं, तो हमने इसको जो साफ़ कर लिया था, कलर लगा लिया, तो देख सकते थे पहले कितना गंदा था, तो हमने इसको साफ़ कर लिया, कलर लगा लिया है, और कुछ चीज़ें जो इसमें कम थी वो हमने जो है ऐड की है, और जो चीज़ ख़राब थी वो हमने चेंज कर दी है, और जो लगने वाली वो हमने लगा ली, जो पहले ही हमने यहाँ पे वो पहले वो सर्किट से था तो सर्किट वो ख़राब था, हमने इसको मैन्युअली कर दिया, तो यहाँ पे टाइम डिले के लिए मैंने ये यूज़ किया है, और ये मैंने ये रिले यूज़ की है ये रिमोट की सेफ्टी के लिए, जैसे ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये कैरियर में होता सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया, ट्रांसफार्मर हो गया, और इससे पहले इसमें फेस सिक्वेंस नहीं था, हमने फेस सिक्वेंस लगा लिया, और कॉन्टेक्टर हमारे वही यूज़ हो गए, हमने इसको खोल के साफ़ कर लिए थे पॉइंट, ये चलने वाले थे तो हमने यही यूज़ कर लिए, और नई हमने बैटरी लगा ली 25 UF की, और ये हमने कनेक्टर लगा लिया है, यहाँ पे मेन सप्लाई हमारी कनेक्ट होगी, और वहाँ पे जब ये सर्किट लगा हुआ था तो रिमोट का कनेक्शन सर्किट में था, तो हमने एक ये अलग से बना लिया, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे, देख सकते हैं Y1, Y2, G, ORC, ये मैंने अभी ये बनाया हो तो ये यहाँ पर लग जाएगा। अभी हमें सिर्फ कनेक्शन जो है करना बाकी रह गया, और कुछ हमने हाँ ये देखो ये भी लगा ली, इससे पहले ये नहीं थी ये, तो ये लग जाएगा, तो उससे केबलें हमारी इसके अंदर रहेंगे, देखने में जो है ख़राब नहीं लगता है, तो हमने ये चीज़ें ऐड की है। तो सबसे थोड़ा पहले आप समझ लीजिए इसी कॉन्सेप्ट किसका, जो ये ट्रेन में यूज़ करते हैं, ट्रेन में क्या करते हैं कॉन्ट्रेक्टर के सिर्फ दो ही पॉइंट यूज़ करते हैं, एक वाला ये खाली रखते हैं, और जो हमारा फ़ैन है कंडेंसर फ़ैन उसके लिए कोई अलग से सेपरेट कॉन्टेक्टर नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो बचा है वो उसी के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं दोनों कंप्रेसर अगर हमारे चालू हो, और तो या एक चालू हो या दोनों चालू हो या पहला चालू हो या दूसरा चालू हो, दोनों यानी हर ये किसी कंडीशन में हमारे कंडेंसर ये चलते रहने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तो हम यहाँ से दे देंगे, अभी जब लगाएँगे तो आपको ये जो ये समझ में आएगा, एक यहाँ से जो है उठाएंगे फेस L, यहाँ पे डायरेक्ट दे देंगे, लूपिंग हो जाएगा तो वो हमको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा,
दूसरा वाला क्या होगा, हम जो है दो हमारे कंडेंसर का जो दो वायरें होंगी हम यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं, हम यहाँ पे भी दोनों लगा सकते हैं, कहीं पे भी दोनों लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जब पहला कंप्रेसर चलेगा या दूसरा कंप्रेसर चलेगा दोनों कंडीशन हमारे कंडेंसर फैन मोटर चालू रहेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करा दिया है, एक ही एक एक बना दिया यानी। और जैसे मैंने पहले बताया था सिर्फ ये दो पॉइंट यूज़ होगा, L1 L2 और एक हमारा जो ब्लैक वाला है वो ट्रेन में डायरेक्ट यूज जाता है सिस्टम में। तो वैसे ही हम सिस्टम को जिन्हें कर रहे हैं इसमें कुछ और दूसरा जो है जो मैकेनिज्म नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो एक हमने ऊपर वाली वायर है जो अगर मैं निकाल लूँ, ये देख सकते हैं ये भी, और ये वाली वायर है ये भी हमने डायरेक्ट कर दी है, एक दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करा दिया। तो और ये वाला हमने यहाँ से L2 आएगा, ये यहाँ से हमने दो शॉर्ट करा दिया है, तो यहाँ से ये जाएगा ऐसे यहाँ जाएगा और यहाँ से और यहाँ से मैंने एक ही ये बना दिया। तो ऐसे हमारा कंडेंसर किसी भी कंडीशन में चलता रहेगा, बस ये। और अभी यहाँ कुछ वायरें लगी हुई हैं तो उसको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो हमने ये नीली वाली लगाई ये हमारा जो सी है, सी हमने सभी पे डायरेक्ट दे दिया। यहाँ हमारा ट्रांसफार्मर से उठा, पहली जो रिले पे आया, दूसरी रिले पे आया, तीसरी रिले पे आया और हमारा इस फेज सीक्वेंस पे आ गया। और यहीं से हम उठा करके एक और वायर देंगे, ऐसे हो करके ये रिमोट वाले सी वाले उस पे आ जाएगा। तो ऐसे हम सबके डायरेक्ट दे देंगे, और हमने ऐसे ही है हम कॉन्ट्रेक्टरों पे दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रेक्टर पे हमने सी वायर जो नीचे लगी वो हमने डायरेक्ट दे दी। तो ये डायरेक्ट ही सिस्टम में रहती कोई भी वायरिंग आप करें। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए, जो ये रिले हमने यूज़ की ये हमने जो है ओरिजिनल नहीं, ये दूसरी यूज़ की। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज ना हो, जो मैंने दो दो यूज़ की वो एक ही पॉइंट हमने इसको बनाया हुआ है। इस रिले में दो पॉइंट है, एक ये यहाँ से देंगे तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से देंगे तो यहाँ से निकलेगा। तो हमने क्या किया कि इसके पॉइंट अक्सर जो दिक्कत करते हैं, तो हमने दो पॉइंटों को एक कर लिया, इसको एक कर लिया। अगर इनकी एक ख़राब रहेगा तो एक हमारा चलता रहेगा, तो इन कोई भी कंडीशन में ये ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे हमने इसको तैयार कर लिया। अभी हमारी और जो आर वाला है, आर वाले को हम समझ लेते, आर वाला भी हमने डायरेक्ट दिया हुआ, अभी हमारी कोई सेफ्टी की बात नहीं। तो आर वाला हमारे यहाँ आया, रिले के इनकमिंग पे लगा, ये भी इनकमिंग पे दे, ये डायरेक्ट है। अभी जो है यहाँ से आउटपुट हम ले करके कॉन्ट्रेक्टर पे दे देंगे। तो सबसे पहले हम ये वायरें जो हमने लगा ली ये अपने मतलब आसानी के लिए लगा ली, कि जो थोड़ा आपका टाइम बच जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन है तो कॉन्ट्रेक्टर पे हम 220 वोल्ट देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आगे ये कैसे चलना है। तो ये वाला आप थोड़ा जो है मतलब ये माइंड में रखें कि हमने ये आर जो है डायरेक्ट सभी रिलेओं पर दिया हुआ और यहाँ पर दिया हुआ 24 वोल्ट अप्लाई कर दिए। अभी हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको जो है 220 वोल्ट दे देते हैं। तो अभी हमने ट्रांसफार्मर पे जो है वाली वायर लगा ली, यहाँ पे 220 का भी ट्रांसफार्मर हो सकता है और 480 पे। तो हमारा सिस्टम 380 पे है, तो यहाँ पे तीन फेज ही दिए गए हैं, तो न्यूट्रल है नहीं। तो हमने 200 ट्रांसफार्मर जो यूज़ किया 380 वाला यूज़ किया। तो हमने यहाँ पे दो फेज अप्लाई करा देंगे और यहाँ से हमने सप्लाई ली, जो हमारा ब्लूवर का कॉन्ट्रेक्टर है, यहाँ पे जब माइन सप्लाई अप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे सप्लाई जो आएगा वो डायरेक्ट जाने यहाँ से उठ करके आएगा। तो यहाँ ऐसे यहाँ पे 380 वोल्ट मिल जाएंगे। तो इन वायरों को हम अंदर कर लेते हैं और अभी हमारे ट्रांसफार्मर को 380 वोल्ट मिल गया और 24 वोल्ट अब बनाने लगे। अभी हमारे 24 वोल्ट यहाँ पे बनने लगे क्योंकि हमने यहाँ पे सप्लाई अप्लाई कर दी है मेन लाइन वाली, इसको दे दी है 380 वोल्ट। अभी हमारे 24 वोल्ट बनने लगे। अब यहाँ से हमने सी क्या किया, सभी पे डायरेक्ट दे दिया, तीनों रिलेओं पे दे दिया, तीनों कॉन्ट्रेक्टरों पे दे दिया, फेस सीक्वेंस पे दे दिया। और अभी यहीं पे हमारा बाद में हम लगा लेंगे सी वाले, आप मान के चलिए यहाँ पे भी मैंने दे दिए, तो ये सी सब कहीं डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब हमारा आर है तो आर भी हमने यहाँ पे डायरेक्ट सब कहीं दे दिया है। आर हमने उठाया इस रिले के पॉइंटों पे दे दिया, आर है एज ए यानी इनकमिंग, जैसे ये इनकमिंग हमारे कॉन्ट्रेक्टरों पे आता है ऐसे यहाँ से आउट हो करके निकल जाता है और कंप्रेसर वगैरह को चालू कर देता है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्ट। और यहाँ पे से जब लगाएंगे इन पॉइंटों पे, ये देख सकते हैं, तब हमारा हमने यहाँ पे दे देना अप्लाई करा देना है। जब यहाँ पे हमारी सप्लाई आ जाएगी तब ये रिले चालू होगी, तो जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट दिया ये डायरेक्ट निकल के इन जो कॉन्ट्रेक्टरों पे आ जाएगी। तो इस वजह मैंने ये डायरेक्ट दे दिया, तो ये अभी डायरेक्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा हमने जो एक लाइन यहाँ पे दी है ये वाली, जो हमने यहाँ पे एक सी तो पहले मैंने दिया ऑलरेडी, और यहाँ पे हमने एक दूसरा आर दे दिया, और ये सब तीन फेस यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे सब नॉर्मल होगा और यहाँ से तभी निकलेगा। और ये वाली वायर हम निकाल करके हम अपने कॉन्टेक्ट कनेक्टर पे दे देंगे आर वाले पॉइंट पे, और यही हमारा रिमोट पे जाएगा और यहाँ पे 24 वोल्ट बन जाएंगे और हमारा तब यहाँ पे ये कमांड आना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे जो AC है चालू हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ से निकाल के देंगे, तो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक जो है हमारा पूरा सिस्टम नहीं चालू होगा। तो इसको डायरेक्ट दे देंगे तो कोई मसला नहीं, यानी ऐसे ये काम करता है।
तो ये वाली वायर लगा करके हम यहाँ अप्लाई कर देंगे और ये वायर लगा करके और यहाँ पे सारे दो Y1 Y2 G और C सारी वायर लगा करके आपको फाइनल कर दें, फिर आप जो है आगे और बताते हैं कि कैसे वायरिंग होगी। तो इस कनेक्टर पे हमने सारी वायरें लगा ली हैं और आपको समझाएंगे यहीं से। तो ये दो वायरें हमारी जो रेड और ब्लू हैं ये 24 वोल्ट आ रहे हैं रिमोट पे जाने के लिए। तो तीन ये वायरें आ रही हैं, ये पर्पल येलो और ब्लैक, ये हमारे कमांड आ रहे हैं, दो हमारे कंप्रेसर का और ये वाला ब्लैक वाला हमारा ब्लूअर का। तो इनको एक एक करके समझाएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि 24 वोल्ट बनने लगे और हमने कहाँ कहाँ अभी डायरेक्ट अप्लाई किए हैं और कहाँ से हमने ये निकाले। तो ये वाला वायर जो हमारा जो यहाँ से निकलेगा यही हमारा जो एल यानी आर आ रहा है, जो आर ये लिखा ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाली वायर हम यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि हमारे 24 वोल्ट की वायर पूरी कंप्लीट हो जाए। तो हमने ये फेज सीक्वेंस से ऐसे लगा लिया, फेज सीक्वेंस हमारा लग गया और हमने सी जो बताया था डायरेक्ट दिया और ये आर अभी हमारे फेज सीक्वेंस से आ रहा है, अभी हमारे 24 वोल्ट बनने लगे। अब हमारे रिमोट से हम जब चालू करेंगे तो हमारे तीनों कमांड आएंगे। तो इनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट अभी से आपको समझाते हैं कैसे काम करेगा, लेकिन फिलहाल इसको हम लगा लेते हैं। तो हम समझाने के पर्पस से यहाँ से आपको समझाते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं जी वाली जो कि ये ब्लोअर वाला है। तो हम इसको यहाँ से उठाएंगे और डायरेक्ट जो है ये रिले वाला जो हम ये बीच वाली रिले ये हमारी जो है ब्लोअर की। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सी पहले दिया हुआ है तो एक वो सप्लाई यहाँ पे मिल रही 24 वोल्ट की, दूसरी हम ब्लैक वाली यहाँ पे लगा देंगे तो इसको 24 वोल्ट मिलने लगेंगे। तो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लगा लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, एक तो मैंने डायरेक्ट दिया और एक हमारा जी वाला यहाँ से आ रहा है तो इसको 24 वोल्ट रिले को मिलेंगे और रिले चालू हुई। तो रिले जब चालू हुई तो जो सप्लाई हमने डायरेक्ट दी है यहाँ पे ये एल वाली अभी इन पॉइंटों पे आने लगे, तो ये पॉइंटों से हम सप्लाई लगा करके ये ब्लोअर वाले कॉन्ट्रेक्टर पे दे दें तो ब्लोअर हमारा चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही यानी ये ब्लोअर वाला हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये भी वायर लगा लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो ये भी हमने लूपिंग बना ली है क्योंकि हमने जैसे पहले बताया था कि दो पॉइंटों को यूज़ कर रहे हैं, वो एक भी पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन सेफ्टी के पर्पज से, क्योंकि ये मार्केट की रिले ओरिजिनल नहीं तो ये बाद में एक पॉइंट शायद प्रॉब्लम करने लगती है, इस वजह हम दो यूज़ कर रहे हैं तो ये इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आई। तो हमने दो लगा ली, एक ही जिन्हें सप्लाई इसी का आ रही लेकिन दो यूज़ किया और दूसरा हमने ये ब्लोअर वाले उस पर लगा दिया। तो ये हमारे 24 वोल्ट कंप्लीट हो गए और ये हमारा कॉन्ट्रेक्टर चालू हो जाएगा, जैसे वैसे हमारा जो है ब्लोअर भी चालू हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, लेकिन अगर इन केस आप कोई सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे ब्लूअर में है हमारा ये ट्रेन में कोई सेफ्टी नहीं होती तो हमने इसे डायरेक्ट दिया। अगर आपके जैसे भी मैनुअल अगर आप वायरिंग कर रहे हैं इसके लिए वायरिंग आप मैनुअल किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ वाली इस वाली वायर पे या इस वाली वायर पे जो हमारा वो आ रहा है कमांड, इस वाले वायर पे हम जो है ओवर लोड डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर ये रिले लगेगी तो रिले 95-96 पे यूज़ कर सकते हैं तो सेफ्टी इसमें ऐड हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट देना या डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो अभी हमारा ब्लोअर वाला कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं Y1 की। तो जो हमने पहले बताया था पर्पल वाली हमारी जो वायर है ये Y1 है, तो ये हमारा पहला कंप्रेसर का है। तो यहाँ से हम निकालेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे जो हमारा नीचे वायर आ जाएगी और हमारे हाई प्रेशर लो प्रेशर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हाई प्रेशर लो प्रेशर में जब जाएगी तो यानी एक रिमोट से आया इधर गया हाई प्रेशर लो प्रेशर में और फिर यहाँ से एक वायर और निकलेगी, वो हम जो है यहाँ पे दे देंगे जो हमारा क्या बोलते हैं टाइम डिले है, टाइम डिले के इनपुट पे और यहाँ से निकल करके फिर हमारा रिले के पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगी इसको चालू करने के लिए। तो ये हमारी पहली वाली रिले हमारा पहले कंप्रेसर की है। तो एक इसमें हम वायर लगा लेते पहले, तो ये एक वायर और हम लगा लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे टाइम डिले के इनपुट पे। तो एक वायर हमारी जो कमांड आ रही है वो ये है रिमोट से जो निकली Y1 पर्पल वाली वायर, बाहर हमने छोड़ दी, इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर लगेगा और घूम करके ये ऐसे आएगी और ये ऐसे आ करके टाइम डिले पे लग जाएगी। तो हमारा जो वो आ रहा है कमांड यहाँ तक आया, फिर यहाँ से निकलेगा और हम यहाँ पे लगा लेंगे जो रिले का हमारा पॉइंट है 24 वोल्ट चालू करने के लिए यहाँ पे। तो इसको हम लगा लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमने दे दिया था पहले सी जो भी ऑलरेडी आ रहा, तो हमने ये दे दिया जो रिमोट से हमारा आ रहा है तो ये रिले चालू हो गई। तो जैसे रिले चालू हो गए तो हमारा पहला कॉन्ट्रेक्टर चालू होगा। तो हमने क्या किया, टाइम डिले को बीच में यूज़ किया लेकिन टाइम डिले के बाद कोई सेफ्टी नहीं, यानी हाई प्रेशर टाइम डिले जब भी हमको यूज़ करना है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर के बाद में यूज़ करना है,
पहले दे देंगे तो हमारा कॉन्ट्रेक्टर चालू बंद होता रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा इस टाइम डिले का कोई फ़ायदा नहीं। इस वजह से हमें हाई प्रेशर लो प्रेशर के बाद यूज़ करना है, तो ऐसे हमने यूज़ कर लिया। तो अभी हम ये वाली वायर भी लगा करके पहले कंप्रेसर पे दे देते हैं, जो कि हमने पर्पल वाली वायर बनाई है। कलर कोड हमने सेम ही यूज़ किया है, तो ये भी हमने दो बनाया हुआ सेम ही सेम है। देखो लूपिंग की भी कोई इसमें जो है एक इस किधर उधर कोई से भी लगा सकते हैं, तो हमने ये लगा लिया। और ये हमने पहले कंप्रेसर किए उस पर पीछे पॉइंट पे दे दिया, तो ये हमने लगा लिया। और सी हमारी ऑलरेडी लगी हुई, तो हमारे इसको ऐसे इसको इसके भी कनेक्शन पूरे हो गए, तो 24 वोल्ट इसको मिलने लगे, तो ऐसे हमारा ये कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम दूसरे कंप्रेसर की बात करें तो Y2 वाली जो हमारी येलो वाली वायर है, ये भी हम सेम ही तरीका ऐसे अप्लाई करेंगे, और ये ऐसे होकर ये वाली हमारी वायर है, यानी इधर Y2 इधर कनेक्टर से उठा और हमने बाहर छोड़ दिया, और इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर लगेगी। और दूसरी सेम तरीके जैसे मैंने पहले समझाया था वो वाली वायर भी सेम ही तरीके लगा लेंगे। तो ये भी हम जो है एक और वायर लगा लेते हैं, और इसको हम इनपुट पे टाइम डिले के इनपुट पे लगा देते हैं। ये हमारी दूसरी वाली टाइम डिले है दूसरे कंप्रेसर की, तो हमने यहाँ पे ऐसे लगा लिया, ठीक है। अब दूसरी वाली वायर जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारा आ गया अभी तक, फिर हमने यहाँ पे लगा देना है दूसरा लोड वाली पॉइंट पे, और इनपुट यहाँ लिखा लोड लिखा, तो इनपुट यानी यहाँ पे आएगा, यहाँ से निकलेगा, इस वजह से आप ऐसे ही लगाएं। और अभी हमने लगा देना यहाँ पे, तो ऐसे हम इस रिले के भी हमारे जो है 24 वोल्ट पूरे हो गए दूसरे कंप्रेसर की। और ये वाली भी वायर हम लगा लेते हैं जो यहाँ से, तो ये रिले चालू हो जाएगी और हमारे दूसरे कॉन्टेक्टर को चालू कर देगी। तो शायद सॉरी ये हमने गलत थोड़ा सा लगा दिया, क्योंकि ये कंप्रेसर हमने ये पहला दूसरा है ये पहला, इस वजह से सॉरी, बाकी कनेक्शन सेम ही रहेंगे। तो इसको हम जो है यहाँ पे लगा लेते हैं, यानी ये सीरियल वाइज ऐसे कंप्रेसर हमारा पहला दूसरा है ब्लूअर, तो ये हमने लगा लिया, ठीक है। अब हम जो है ये इस पर लगा लें, ये हमारा दूसरा कंप्रेसर है, तो हम ये वाली वायर भी बनाई लूपिंग। अगर आप यूज़ करना चाहें इस रिले के एक भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। अगर एक है तो एक भी यूज़ कर सकते हैं, दो को यूज़ करना है, जो दो तो ये फारिक था, इस वजह से मैंने दो यूज़ कर लिया सेफ्टी के पर्पज़ से। तो अभी फाइनली हमारे ये यहाँ से हमने यहाँ तक कनेक्शन पूरे के कर दिए, तो 24 वोल्ट वाली हमारी सप्लाई पूरी मुकम्मल होगी, कम्प्लीट होगी। तो देखो कितना आसान था, हमने कैसे क्या किया, यहाँ से उठाया कमांड कंप्रेसरों का, बाहर दे दिया, हाई प्रेशर लो प्रेशर लगेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से आउट होकर रिले के पॉइंट पे आ जाएगा, जो जिससे रिले चालू होती, और जो हमने डायरेक्ट दिया था वो डायरेक्ट वाला जो है जब निकलेगा तो ये वाला पॉइंट हमारा कॉन्ट्रेक्टर पे चला जाएगा, ऐसा सिंपल है। तो अभी सारी हमारी 24 वोल्ट वाली वायरिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे तीन फेज अप्लाई कराएंगे, फेज सीक्वेंस के हम डायरेक्ट दे देंगे, क्योंकि ये सिस्टम में दो फेज यहाँ पे आते हैं और एक फेज ये डायरेक्ट जाता है, तो दो हम सप्लाई यहाँ पे लगा लेंगे और एक सप्लाई जो L3 वाली हम यहाँ पे दे देंगे, और ऐसे हमारे तीनों फेज इस रोटेशन को फेज सीक्वेंस को मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी वायरें हम इसको जो है अंदर डाल देते हैं, फिक्स कर लेते हैं, फिर बाद में ये लगाने के बाद फिर मेन सप्लाई जो हमारी है ये लगा लेते हैं, और थोड़ा सा इसका भी जो है लगा देते हैं। तो ये वाला जो कंडेंसर फैन मोटर वाला मैंने बताया था, दो जो है इसमें कैपेसिटर यूज़ हो रहा, तो रनिंग स्टार्टिंग हमारा यहाँ आ जाएगा। और कॉमन वाली वायर है, हम किसी की नहीं, यहाँ पे भी एक लगा सकते हैं, यहाँ एक लगा सकते हैं, या दोनों एक साथ लगा सकते हैं, ये मतलब ये कहीं पे भी, तो हमारा ऐसे ये कनेक्शन कर लेंगे कंडेंसर मोटर का। तो ये थोड़ा कर लेते हैं फिर आपको लगा दिखाते हैं। तो फिर सीक्वेंस वाली हम तीनों वायर लगा लें, ये L2 हो गई, ये L1 होगी बीच वाली, ये L3 होगी। तो ब्लैक वाली हम यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ लगाने के लिए। और ये हम दो जो वायर बची हैं L1 L2 रेड और ब्लू यहाँ पे ले देंगे, तो ये भी हम लगा करके फाइनल कर देते हैं। तो दो हमको यहाँ से मिल जाएंगे फेस, एक हम यहाँ से ले लेंगे। तो अभी हमने ये वाली वायर लगा ली मैन वाली, जो हमारा यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट होगी मैन वाली हाई वोल्टेज की, तो हमने ये कनेक्टर पे लगा लिया है। तो ये अभी जो है सिस्टम में जब ये लगेगा हमारा वायरिंग बॉक्स, तब ये वहाँ पे वायरें आएंगी कंप्रेसर की दो, एक ब्लोअर की तीन लगेंगी, और वो ये दो हमने ऑलरेडी लगा लिए। तो ये वाली वायर जो आ रही पतली वाली, ये फेज सीक्वेंस की है, इससे पहले फेज सीक्वेंस दिया नहीं गया था, और इसको तीन फेज के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, दो फेज तो ऑलरेडी हमको मिल रहे थे, यहाँ से मैंने ले लिया, एक हमने यहाँ से लिया है। और ये वाली वायर हमने तीन तीन जोड़ ली, तीन हमारे कॉन्ट्रेक्टर, तीनों पे हमारे डायरेक्ट चले जाएंगे और ये वाले भी चले जाएंगे। तो
जब हम यहाँ तीनों फेस लगा देंगे तो तीनों फेस यहाँ आ जाएंगे, और यही वाले यहाँ पे से हम ये वाला क्या बोलते हैं, ये जो हमने इस पे दिया हुआ है ये इसके पिस्टन पे जो ये हमने लूपिंग करा ये डायरेक्ट आएगा, तो ये वाली वायर हम यहाँ पे लगा दिए इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे जब सप्लाई लगाएंगे तो ये उठ करके हमारे कैपेसिटर पे चली जाएगी, और यही हम पे हमारे दोनों रनिंग स्टार्टिंग कंडेंसर फैन मोटर की आ जाएगी, जो कि ये डायरेक्ट हमारा जो है ये सप्लाई आएगी ये रेड वाली, और दूसरी वाली मैंने ऑलरेडी पहले बताया। ये तीनों हम लगा लेते हैं फिर आपको बताते हैं फाइनल इसका व्यू दिखाते हैं। तो अभी हमने इसको जो है यहाँ पे सारे दो दो वायरें लगा ली हैं, रेड और ब्लू, रेड ब्लू, तो तीनों हमने अप्लाई कर लिया और ये वाली बाद में लगेंगे। अभी फाइनल व्यू आपको जब यहाँ पे सारे कनेक्शन कर लेंगे जो हमारा हाई वाली है इस कंप्रेसर वाली आएगी, तो इसके ऊपर लगा के फिर फाइनल व्यू दिखाएंगे सिस्टम में लगा करके। हालांकि वायरिंग हमारी पूरी हो गई, और कभी भी अगर आपके आप अगर ट्रेन में हैं सर्किट कैंसिल करना चाहें तो आप इस टाइप की वायरिंग कर सकते हैं, और कोई भी सिस्टम में आप जो है या ऐसे वायरिंग करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ सेफ्टी वगैरह है जैसे यहाँ पे ओल्ड लोड लगाना है जो रिले लगे उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई और सेफ्टी लगाना है और भी लगा सकते हैं, बस क्या है जो सेफ्टी हम लगाएंगे जो हमारा कमांड आया जैसे ये वाली वायर हमारी आई थी इसी में सारी सेफ्टी दे देंगे और हमारा काम करता रहेगा। तो अभी हम सिस्टम में बैठा लेते हैं और फिर इसको फाइनल व्यू आपको दिखाते हैं। तो अभी हम सिस्टम में इसको लगा रहे हैं, वायरिंग बॉक्स लगा लेते हैं सिस्टम में। अभी हमारा वायरिंग बॉक्स लग चुका है और हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले कनेक्शन कर देने, और यहाँ पे कंप्रेसर की वायरें लगा देनी, यहाँ ब्लोअर की वायर लगा देनी, और बस अभी सिस्टम वैक्यूम करने जा रहे, वैक्यूम कर लेते हैं, वैक्यूम करके फिर थोड़ी वायरिंग जो बची वो भी कर लेते हैं, और कुछ पैनल जो बचे हैं वो भी लगा लेते हैं। ये लगा करके फाइनल कर देख सकते हैं, ये हमने इसको कोटिंग कर ली नीली, कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये भी हमने कलर लगा लिया था तकरीबन मैचिंग मैचिंग हो गया। तो सिस्टम अभी हमारा वैक्यूम चल रहा है, और वैक्यूम हमारा हो गया है पूरा 100%, तो उसको हम यहाँ से बंद कर लेंगे और वैक्यूम हो चुका फाइनल, अच्छे से टाइट कर लेंगे यहाँ, और इसको वैक्यूम पंप हमने बंद कर दिया है और वैक्यूम हमारा हो गया है। अभी जो कंडेंसर वाली वायर जो थी हमने दो जो कॉमन की थी मैंने एक यहाँ दोनों लगा ली है, ये दोनों कंडेंसर की एक ये वाली एक उसकी, अभी पंखे नहीं लगे वो भी लगाने बाकी हैं, तो ये दोनों हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक एक यहाँ भी कैसे भी करके लगाएंगे तो दोनों कंडीशन में हमारा दोनों कंडेंसर फैन चलेंगे। तो हमने दोनों यहीं लगा ली है, और ये सब एक ही पॉइंट भी बन गया, और दो हमने ये रनिंग उसके साथ लगा ली, स्टार्टिंग लगा ली, और ये भी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में लगा, पर्पल वाली हमारी रनिंग है और ये ब्राउन वाली हमारी जो है स्टार्टिंग है, और हमने दोनों उसकी लगा ली है कंडेंसर की वायरें, और दोनों लग चुकी हैं, बस केबल अभी फिक्स करनी रह गई है। और ये वाली वायर तीन जो हमारी मैन वाली, ये वाली मैन ये हम यहाँ पर लगा लेंगे, उसको लगा फाइनल कर देते हैं, और कंप्रेसर की साइड पर भी कनेक्शन हमारे हो चुके हैं और यहाँ भी हो चुके हैं, सिर्फ हाई प्रेशर लो प्रेशर दो मैंने दो दो वायर निकाली थी, एक यहाँ से Y1 और जो यहाँ पे दिया हुआ था हाई प्रेशर लो प्रेशर दे करके हमने वहाँ पे दे दी, तो हमारी सारी भी वायरिंग पूरी हो चुकी है। तो कंप्रेसर वाली वायरिंग पूरी हो चुकी है, और यहाँ जो ब्लोअर वाली वायरिंग थी ये भी हमने जो है वायर नहीं डाल करके लगा ली, तो ये भी फाइनल हो चुका है। अभी हम इसका यहाँ पे पैनल लगा के पूरे सारे कवर हमने बंद कर लिए, देख सकते हैं सारे कवर हमारे बंद हो चुके हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ बाकी रह गया है यहाँ फैन मोटर लगाना और जो है गैस डाल के चेक करना। अभी हमने सिलेंडर लगा लिया, ठीक है, और सिलेंडर लगा करके थोड़ा सा इसका वैक्यूम तोड़ देते हैं, वैक्यूम जब टूट जाएगा हमारा तो हम सारी गैस यहाँ से डिस्चार्ज से थोड़ी डाल लेंगे, जितनी हमारी जानी से जो हम उतना डाल देंगे, एक सिलेंडर पूरा कामिल यहाँ पे हम इसमें एक अंदर डाल देंगे, क्योंकि एक सिलेंडर से ज़्यादा लगेगा तो एक सिलेंडर डाल देंगे, बाकी थोड़ी बचेगी तो बाद में चलाने पर ऐड कर देंगे। तो वैक्यूम तोड़ करके हम थोड़ा सा फिर यहाँ से हम थोड़ी सी जितनी गैस जानी यहाँ से डाल देंगे, लिक्विड हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर के अंदर नहीं है, ऐसे हमारे लिक्विड डिस्चार्ज में और कंडेंसर में जाएगा, तो उसके लिए इतना कंप्रेसर के लिए डैमेज नहीं करेगा, यानी दिक्कत का काम नहीं होगा, लेकिन ऐसे डालेंगे तो कंप्रेसर में डायरेक्ट लिक्विड जाएगा, तो इस वजह से हम थोड़ा सा बस वैक्यूम तोड़ के यहाँ से डालेंगे, फिर चलाने के बाद गैस ऐड करेंगे। फाइनली अभी हमारे सारे वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है A to Z, और अभी हम सब पूरा ये सेटअप कर लेते हैं और फिर उसको चला के सप्लाई लगा कर चला के चेक करते हैं कि क्या इसकी कंडीशन है। तो वायरिंग देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी हो गई, जो पहले आप देख रहे थे इधर वाले जो कंप्रेसर आप देख रहे थे पहले क्या कंडीशन थी, कंडेंसर की क्या कंडीशन, नीचे ज़मीन की क्या कंडीशन थी, सारा हमने फिक्स कर लिया है। अभी हम गैस यहाँ पे खोलने से पहले इसको ये लाइन को पर्च कर लेंगे, क्योंकि लाइन में एयर है और हमने जो वैक्यूम किया वो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो लाइन को थोड़ा सा पर्च कर लेंगे, और जब भी अगर ऐसा होगा
तो आप लाइन को लाजम बंद करें, ऐसे फर्ज हो के आप गैस खोल देंगे सिर्फ वैक्यूम तोड़ने के लिए। और दूसरी चीज़, जब भी आप वैक्यूम करें तो इससे कम से कम एक घंटा तो मिनिमम करें ही करें, एक घंटा कर लें अच्छे से, यानी इधर से प्रेशर नहीं भी निकल रहा, हवा वगैरह नहीं निकल रहा, ऑयल वगैरह, फिर भी जो है कुछ देर चलने दें, जैसे प्रॉपर हमारा वैक्यूम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ें चला जाए, बस वैक्यूम हमारा टूट जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लगा के कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने ये लाइन चार्जिंग लाइन हमने जो डिस्चार्ज में लगा ली है, ठीक है, अगर लिक्विड लाइन में दिया तो लिक्विड लाइन में भी दे सकते हैं, डिस्चार्ज में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। अगर है तो हमने यहाँ पे लगा लिया, और हमने फिर से यहाँ पे लाइन को पर्ज करना है, कि हमने खोला तो उसके अंदर एयर आ गया, तो उसको पर्ज कर ले, थोड़ी सी एयर निकाल देते, गैस निकाल देते, और इसको भी ऐसे कर लेंगे। और अभी हम सारी गैस सीक के जरिए डाल देंगे पूरा सिलेंडर। अच्छा, लोग ये पूछते हैं हमें सिस्टम में लिक्विड डालना चाहिए कि जिन वेपर डालना चाहिए, तो कंडीशन ये है कि आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, वेपर भी डाल सकते हैं, अगर सिंगल गैस है, ब्लेंडेड नहीं है, सिंगल है, तो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, वेपर भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि सिस्टम में लिक्विड जाएगा तो हमारे कंप्रेसर के लिए हार्मफुल है, तो हमें ये मेक श्योर करना कि इतनी डालें कि सिस्टम में लिक्विड ना जाए जो हमारे कंप्रेसर को डैमेज ना कर पाए, इतना डालना है। या एक वाल है तो वाल लगा लें जिससे हमारा डालेंगे लिक्विड लेकिन जाएगा सिस्टम में वेपर। और हम कुछ तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हैं, हमें बहुत सारी गैस डालनी है, थोड़ी डालनी है, थोड़ा थोड़ा खोल के हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हमें मान लीजिए एक आध दो तीन सिलेंडर डालें, तो आप थोड़ा पहले हम जितनी जानी जिन सिस्टम के अंदर उतनी हम डाल लेंगे यहाँ से, और फिर चालू करने पे थोड़ा थोड़ा खोल करके जो है ऐसे हम पूरी गैस कंप्लीट कर लेंगे। अभी उसको खोल देंगे और सिस्टम को पूरा उल्टा कर देंगे इस सिलेंडर को, और गैस जाने देंगे पूरी। तो ये हम जो रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं R22 यूज़ कर रहे हैं, तो लिक्विड भी डाल सकते हैं, वेपर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कंडीशन है, वेपर डालेंगे जो है तब तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन सिलेंडर मान लिया हमारे सिस्टम में ज़्यादा गैस जाना है और सिस्टम में गैस कम है, तो हमें लाजिम उल्टा ही करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम जो अभी चीज़ें बताएं उसको आप फॉलो कर सकते हो। अभी हमने क्या किया, लगा लिया सिस्टम का सिलेंडर को उल्टा कर दिया, हमने डिस्चार्ज लाइन से पूरी गैस यहाँ पे ऐड कर देनी, तो और कुछ देर छोड़ देंगे तो सिस्टम में जा करके ऑटोमेटिक हीट, जो बॉडी की हीट से ये ऑटोमेटिक वेपर बन जाएगी। तो कुछ देर के बाद चालू करेंगे, अगर लगभग आधा घंटा एक घंटे के बाद, तब तक हमारा और भी काम चल रहा है, तो वो भी हम जो है जब तक कंप्लीट हमारा हो जाएगा, और आधा एक घंटे में जो हमारा लिक्विड गया है वो कंडेंसर में जाएगा, वेपरेटर में जाएगा, बाहरी एयर जो लगेगी वो काफ़ी हद तक जो है जो वेपर बन जाएगी। हाँ, आपने गैस चार्ज कर दी और उसी समय चालू कर दिया, यानी गैस डाली उसमें चार्ज कर दिया, तब भी इसे हार्मफुल है, तो यानी ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। तो अभी इसको चलने देंगे, थोड़ा बचा काम कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसको फाइनल जो है लगा कर चेक करेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का कंडेंसर, इस पर कोटिंग लगा ली थी, देख सकते कितना अच्छा लग रहा है, बस हमारा ये ब्लूवर वगैरह कंडेंसर फैन भी बाकी है लगाने। ये मैंने पूरा फिक्स कर लिया है, जो कि जिधर से आया था उन लोगों ने हार मान ली थी, अभी हम लोगों ने इसको फिक्स किया पूरा। तो फाइनली अभी हमारा सब कवर हो गया, उसको हम सप्लाई चालू कर लिए, रिमोट की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने एम्पियर मीटर वो सप्लाई वगैरह लगा के कम्प्लीट कर लिया, और अभी चलाने की बारी है। तो टाइम डिले की हमने 0 पे सेटिंग कर दी, क्योंकि अभी कुछ टेस्ट करना है, बाद में इसको फिर जो है 2 मिनट या 5 मिनट इसकी ये सेटिंग बढ़ा देंगे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी हम इसको चालू कर लेते, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके जो ये सेटिंग है फॉरेनहाइट से डिग्री पे डाल लेते हैं, और इसकी टाइम डिले जो रिमोट की है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो इसको हम जो 6 पे लगा लेंगे, 0 पे कर लिया है, इसको मैनुअल रखेंगे। अभी हमने इसको चालू कर लिया है और ऑन पे है, तो अभी हम कूल मोड पे डालते हैं। कूल मोड पे डाल लिया, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं, प्रेशर डाउन किया, इस वजह से बंद हो गया है, थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं। सिस्टम चालू होकर काफ़ी टाइम हो चुका है और
गैस भी तकरीबन हमारी पूरी हो चुकी है। नॉर्मल हमने ये चार्ट किया है बगैर ये सब कुल सुपर हीट देखे आइडिया के हिसाब से, तो आप ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं। और एम्पियर दोनों हमने चेक करा दिए हैं, ये 16.4 और ये भी तकरीबन इतना ही ले रहा है, एक सिस्टम का थोड़ा सा हल्का 19 भी ज़्यादा। और ये मेन लाइन का हमारा एम्पियर है 39-40 के आसपास, और ब्लोअर का अगर मैं एम्पियर चेक करा दूँ तो ये हमारा जो है 7.380 का सिस्टम है इस वजह से। तो हमारा पूरा जो है 20 टन का ये ट्रेन का एसी है, मैक्सिमम 40 एम्पियर ले रहा है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है। हीट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एम्पियर थोड़े बढ़ जाएंगे। और ये बैक प्रेशर जो मैंने रखा ये भी थोड़ा सा बढ़ गया, अभी मैंने इसको ये 65 के आसपास दोनों के रखे, तो गैस हमारी पूरी हो चुकी है। देख सकते हैं 77.5 है, 5 डिग्री हमारा जो है जो आपने रिपोर्ट पर सेंड किया हुआ है, और सब चीज़ अभी चल रहा है सही है, एम्पियर वगैरह भी सही ले रहा है। और यहाँ पर हम इसकी कंडेंसी चेक करें ये भी सही है, क्योंकि देख सकते हैं दूसरा सिस्टम हमारा थोड़ी गैस ज़्यादा आएगी इस वजह से ज़्यादा एम्पियर लेगा, और पहले सिस्टम की जो गैस है थोड़ी कम है एम्पियर थोड़ा कम लेगा, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देख सकते हैं 240 मॉडल है 380 पे, और 20 टन का ये मेरा मॉडल है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं ग्रिड टेम्परेचर दिखाते हैं, ग्रिड टेम्परेचर हमारा 18.4 है यानी 18 डिग्री के आसपास, और खुले में लगा हो इस वजह से ये थोड़ा सा मतलब एक्यूरेट नहीं है, और चलेगा तो बंद होगा तो ऑटोमेटिक यानी ये सही है। अभी इसको हम बंद कर लेते हैं, चेक हो गया, और इसको फाइनल इसको बंद इसको पैक कर लेते हैं। याद हम इसको ऑफ कर देते हैं, कंप्रेसर और कंडेंसर हमारे बंद हो चुके हैं, ब्लोअर भी हमने बंद कर दिया है, और रिमोट की सेटिंग जो मैंने टाइम डिले वाली घटाई थी वो थोड़ा इसे मैं इसको घटा देता हूँ बढ़ा लेता हूँ, और इसको बढ़ाने के बाद ये 15 जो हमारा है थोड़ा सा मैं 2 मिनट यहाँ पे रखूँगा और 2 मिनट यहाँ की मैं रखूँगा सेटिंग, तो 4 मिनट की हमारी सेटिंग हो जाएगी, तो काफ़ी इतना डन। और इसको यहाँ से मैं डन कर देता हूँ, तो हमारा सिस्टम रेस हो चुका है सेट। तो मैं इसकी पहले सबसे पहले लाइन बंद करता हूँ, तो लाइन मैंने बंद कर ली, और इसको रिमोट से या इसको यहाँ टेस्टर से इसको हम ये कर लेंगे सेट कर लेंगे, इसको 2 मिनट पे लगा लेंगे। तो अभी हमारा ये 2 मिनट पे लग चुका है, और इसको भी हम 2 मिनट पे लगा लेंगे, तो 2 मिनट में आप देख सकते हैं ये हमारा अभी एक्यूरेट नहीं है, ये हमारा 2 मिनट ये लाइन जो है ना 2 मिनट पे, और ये हमारा 2 मिनट पे भी लग चुका है, तो दो 4 मिनट के हो गए फाइनल अभी हो चुका है। तो इसके हम कवर लगा लेंगे और इसको फाइनल पैक करके फिर आपको दिखाते हैं। ऊपर टॉप का व्यू है जो हमने इसकी जालियां लगा ली कंडेंसर कन्वर्टर की, ये ऊपर का है, तो अभी इसको हम पॉलिथीन लगा लेते हैं और उसको लगा के फाइनल कर लेते हैं। देखते हैं